हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मिशन एसएससी सीएचएसएल 2019 के अंडर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पोर्ट्स पर्सन नेम। जैसे मैं आपको बोलूं कि एमसी मैरीकॉम किस खेल से संबंधित है तो आपका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली बॉक्सिंग, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके जो अभी हाल में ही एग्ज़ाम हुए हैं सीजीएल और सीएचएसएल में, उसमें से कुछ कुछ शिफ्ट्स में आपसे इस पूछा गया है क्वेश्चन ऐसे करके, ठीक है। और ये प्रीवियस में भी बहुत सारे जो प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस पीडीएफ में, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्संस हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, वो मैंने लेने की पूरी कोशिश की है। तो करना वही है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस पीडीएफ को रिवीजन के तौर पे रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि जिस तरीके से एसएससी जो क्वेश्चंस पूछ रहा था आपसे, वो अधिकतर क्वेश्चंस वैसे पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन का पूछ रहा था जिसको अवार्ड मिला हो, जिसने कुछ प्राइज़ जीता हो, ठीक है, या उस टूर्नामेंट को जीता हो। तो मैंने भी वैसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे वैसे स्पोर्ट्स पर्सन को मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फेमस बैडमिंटन प्लेयर का, तो उसमें कौन कौन से बैडमिंटन प्लेयर हैं? आप तो खुद जानते हो कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स ही हैं, तो उसमें कितने प्लेयर होंगे? तो आप खुद बताओ कि आप कितने याद करोगे? पूरा याद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो लेकिन उनमें से जो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं आपको ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने न्यूज़ में कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन का नाम सुना होगा, बस आप ये नोटिस कर लेना कि वो किस खेल से संबंधित है। समझ रहे हो बात को? चलिए, तो बैडमिंटन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं? तो पहला हो गया अनूप श्रीधर, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, अपर्णा पोपट, पुलेला गोपीचंद, ठीक है, दीपांकर भट्टाचार्य, चेतन आनंद, पुरपाली कश्यप और पीवी सिंधु। ये वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अगर हम कुछ बॉक्सिंग प्लेयर की बात करें तो बॉक्सिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो है एमसी मैरीकॉम का, ओके, ठीक है, उसके बाद शिव थापा का। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। मैं आपको बस बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप पीडीएफ से पूरा पढ़ लेना। उसके बाद आर्चरी की बात करें तो आर्चरी में सबसे ज़्यादा कोई अगर इंपॉर्टेंट है वो है आपका तरुण दीप राय, ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल था 2019 में ये काफ़ी न्यूज़ में थे। तो तरुण दीप राय किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए आर्चरी, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेमस इंडियन एथलीट की, तो एथलीट में जो फेमस है वो है आपका सोमा विश्वास, पीटी उषा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंजू बॉबी जॉर्ज, और उसके बाद मिल्खा सिंह। ये कुछ वो नाम हैं जो कि एथलीट्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं। उसके बाद कार रेसिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका नारायण कार्तिकेयन, जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्क्वैश की बात करें तो स्क्वैश में जोशना चिनप्पा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जोशना चिनप्पा, तो क्वेश्चंस पूछ भी सकता है, इनफैक्ट पूछा भी है आपसे कि जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए स्क्वैश, ओके। नेक्स्ट हो गया अगर हम फेमस टेबल टेनिस प्लेयर की बात करें तो फेमस टेबल टेनिस प्लेयर कौन है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पौलमी घातक, जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पौलमी घटक, ठीक है, चेतन बाबूर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्विमर की, तो स्विमर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका मिहिर सेन, मिहिर सेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि दो ही नाम है बुला चौधरी और मिहिर सेन। नेक्स्ट हो गया शूटिंग की बात करें, ठीक है, शूटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है विजय कुमार, गगन नारंग, ठीक है, गगन नारंग तो पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में थे, गगन नारंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनव बिंद्रा, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था, तो ये तीन नाम तो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद राजवर्धन सिंह राठौर, अब तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी शूटिंग की दुनिया की बात हो तो इनका नाम आना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद अंजलि भागवत जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ नाम है जो कि आपको एकदम माइंड में रख के चलना है। उसके बाद अगर गोल्फ़ की बात करें तो गोल्फ़ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है शिव कपूर, इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे कि शिव कपूर किस खेल से संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए गोल्फ़, ठीक है, शिव कपूर, ओके।
उसके बाद हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पर जीव मिल्खा सिंह, ये भी आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, शिव कपूर और मिल्खा सिंह। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कि एथलीट में जो सबसे बड़ा नाम है वो मिल्खा सिंह का है, उस पर मूवी भी आ चुका है, और एक लोग हैं, एक और भी प्लेयर हैं जो कि गोल्फ में है, वो है उनका नाम मिल्खा सिंह। तो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन टारगेट किया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जीव मिल्खा सिंह जो है गोल्फ से भी हैं, और अगर सिर्फ मिल्खा सिंह है तो वो एथलीट से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं बिलियार्ड्स, ठीक है, बिलियार्ड्स एंड स्नूकर। इसमें तो सबसे बहुत बड़ा नाम है वो आपका पंकज आडवाणी का ही है। तो पंकज आडवाणी जो है बिलियार्ड और स्नूकर से रिलेटेड है। उसके बाद हॉकी प्लेयर, तो देखिए मेरा अपना मानना है कि हॉकी प्लेयर और आपके क्रिकेट, इससे तो बहुत कम बार पूछे जाते हैं, लेकिन हॉकी प्लेयर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस कभी पूछा जाता है उसमें आपसे पूछ देता है ध्यानचंद, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो मतलब कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं हम लोग, नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो इन्हीं के नाम पे हम मनाते हैं ध्यानचंद जी के बारे में, ठीक है। धनराज पिल्ले जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, दिलीप तड़के जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि आप इसको पूरा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, बाकी जो लास्ट में मैंने आपके लिए रखा है क्वेश्चन सब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए फेमस चेस प्लेयर, इस बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फेमस चेस प्लेयर कौन है, तो कॉनरे हम्पी जो है ये क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्जाम में। तो कॉनरे हम्पी जो है ये चेस से संबंधित हैं, ठीक है, कॉनरे हम्पी। नेक्स्ट आपके सामने हो गया फेमस फुटबॉल प्लेयर, तो फेमस फुटबॉल प्लेयर कौन है, तो फुटबॉल में जो है ये आपको जानते ही हो, बायचंग भूटिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में देखिए जयदीप इंपॉर्टेंट है, विजय हो गया, उसके बाद रामानाथम कृष्णा, रमेश कृष्णा, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, ये एक देखा जाए तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट हो गया माउंटेनियरिंग की बात करें, जो पहाड़ पे जो चढ़ते हैं, तो उसमें आता है टेंजिंग नॉर्गे जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वेट लिफ्टिंग, तो वेट लिफ्टिंग में करण मलेश्वरी जो है और के कुंजा रानी, ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रेसलिंग, रेसलिंग में तो देखिए मैं आपको बता दूँ, योगेश्वर दत्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साक्षी मलिक, आपको मलिक अगर दिख जाए लास्ट में तो मतलब, अगर साक्षी मलिक हो गया और मतलब मलिक आपको दिख जाए तो आप रेसलिंग पे ही टिक कर देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, अब देखिए यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पहले तो आपका तो वो आप कर ही लीजिएगा, उसके बाद अब जो मैं क्वेश्चंस टारगेट कर रहा हूँ इसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो एमसी मैरी कॉम ये हो गए मणिपुर से, क्या खेलती हैं, तो बॉक्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपके सामने पी वी सिंधु तेलंगाना से हैं, ये क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है, ये आपका बैडमिंटन खेलती है। ओ बी देवी कहाँ से हैं, तो मणिपुर से हैं, क्या खेलती हैं, तो आपको फुटबॉल खेलती हैं। अब जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वे एकदम एक्सपेक्टेड हैं कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद जीतू राय, अब देखिए जीतू राय जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, ये किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, शूटिंग होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार जीतते रहते हैं कॉमनवेल्थ में भी, नेशनल गेम्स में भी। तो जीतू राय उत्तर प्रदेश से हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, शूटिंग। अब देखिए तरुणदीप राय कहाँ से हैं, सिक्किम से हैं, और कौन सा गेम खेलते हैं, आर्चरी, ठीक है, फिगर मैंने दे दिया है साथ में। नेक्स्ट हो गया आपके सामने कि मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका जवाब हॉकी होना चाहिए। सौरभ चौधरी कौन सा गेम खेलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए शूटिंग, ठीक है, ये मनप्रीत सिंह है, ये आपका सौरभ चौधरी है। क्वेश्चंस जो एकदम इंपॉर्टेंट है, इस बार जो पूछा गया आपका कॉनरे हम्पी किस खेल से संबंधित है, आपका जवाब चेस होना चाहिए। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो आपका जवाब शूटिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। इससे भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया था कि मेजर अब्दुल कादिर खान किस चीज़ से हैं, क्या करते हैं वो, तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, ठीक है, और उनका पॉल जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है, अयोनिका पॉल। नेक्स्ट है मानव ठाकर, ठीक है, मानव ठाकर ये किस खेल से संबंधित है, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं टेबल टेनिस के, ठीक है,
हर्षवर्धन सातगीर जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है रेसलिंग से। तो मैंने फिगर इसलिए दे दिया ताकि आप थोड़ा इमेजिन कर लेना एग्जाम टाइम पे कि ये है। अब दीपिका कुमारी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो आर्चरी आपका करेक्ट हो जाता। पूजा गहलोत किस खेल से संबंधित है, तो ये आते हैं रेसलिंग से। उसके बाद चितरंजन नाटसेन जो है ये किस खेल से हैं, ये क्या करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग। ओके, आपको लग भी रहा होगा पढ़ने पे कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब है। उसके बाद राखी हैदर जो है ये कौन सा किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। उसके बाद दूती चंद, पिछले साल तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कीर्तिमान स्थापित कर दिया था एथलीट की दुनिया में, तो एथलीट हैं दूती चंद। नेक्स्ट हो गया आपका जीना खीता जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट है ये मैंने करवा दिया है, इन सबको आप अच्छे से कर लेना। अब करवाने के लिए मैं पूरा पेज भी आपको देकर भर सकता था, बट फिर भी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आप कर लीजिए। बाकी आप जब करेंट अफेयर्स पढ़ोगे, स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ोगे, और जो मैं आपको अपने चैनल पर करवाता रहूँगा, तो वहाँ से भी आपको तो मैं ये सारे प्लेयर्स का नाम करवाता रहूँगा। फिलहाल इस PDF में आपको ये सब मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये PDF, कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रात में लाइव में 9 बजे से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।